हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। चलिए बच्चे, आज मैं कक्षा 12वीं दिगंत भागवत से शमशेर बहादुर सिंह का जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर जीवन परिचय है। चलिए, डॉक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार के शब्दों में कहा गया है शमशेर बहादुर सिंह के जीवन परिचय के बारे में कि शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं, और शमशेर जैसे कवियों में कोई स्कूल नहीं बनता, उनकी कोई पंथ प्रतिमा नहीं बनती। वे उन नदियों की तरह होते हैं जो चुपचाप पूरी घाटी को जरखेज करती हुई और चलती है, जिन पर कभी कोई पुल नहीं बनता। बहुत सुंदर वाणी अरुण कमल हमारे शमशेर बहादुर के बारे में, उनके जीवन परिचय की ये दो पंक्तियाँ हमें बहुत ही मार्मिक प्रस्तुत करती हैं। आइए बच्चे, आज मैं जीवन परिचय के बारे में प्रस्तुत कर रहा हूँ जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे शमशेर बहादुर सिंह का जो जीवन परिचय है, उनका सर्वप्रथम जन्म जन्म के बारे में हम लेते हैं तो 13 जनवरी 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और निधन निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। जन्म और निधन ये बहुत हर कवि हर पाठ में जो भी है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी प्रश्न बनकर इनके जीवन परिचय से जरूर आता है। तो बच्चे याद रखना होगा बेटा, जन्म और निधन। आगे हम बढ़ रहे हैं। जन्म स्थान देहरादून उत्तराखंड में इनका जन्म स्थान माना गया है, और इनके माता पिता प्रभु देई एवं तारीफ सिंह, जो माता प्रभु देई एवं पिता तारीफ सिंह, जो कलेक्ट्रिएट में रीडर और साहित्य प्रेमी रह चुके हैं। इनके पिता बहुत प्रतिभावान थे और शिक्षा शिक्षा इन्होंने 1928 में हाई स्कूल, 1931 में इंटर और 1933 में बीए इलाहाबाद से, और 1938 में एमए पूर्वाध डिग्री इन्होंने अंग्रेजी में हासिल प्राप्ति की थी। हमारे हिंदी साहित्य के कवि शमशेर बहादुर सिंह। आइए पारिवारिक जीवन में बच्चे, पारिवारिक जीवन में 1929 में धर्म देवी से इनका विवाह हुआ था। 1933 में इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर परिवार विहीन और अनिश्चित जीवन तक अपना जीवन काल इन्होंने बिताते रहे हमारे शमशेर बहादुर सिंह। और वृत्ति में रूपाव कहानी माया नया साहित्य नया पंथ एवं मनोहर कहानियाँ के संपादन कार्य से जुड़े रहे, और उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी इन्होंने किया था। यात्रा के रूप में विदेशी यात्रा जो 1978 में इन्होंने सोवियत रूस की यात्रा की थी, हमारे शमशेर बहादुर सिंह। और रचनाएं रचनाओं के रूप में दूसरा शतक 1951 में इनकी रचना प्रस्तुत की गई थी,
हाँ, रचना में नहीं भूलने की जरूरत है, रचना और कृतियाँ एक ही प्रारूप है, या हम तो रचना कहें या कृतियाँ कहें। तो दूसरा सप्तक 1951, कुछ कृतियाँ, कुछ कविताएँ 1959 में, कुछ और कविताएँ, चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, उदिता 1980, बात बोलेगी काल तुझसे, होड़ है मेरी टूटी हुई बिखरी हुई, और प्रतिनिधि कविताएं, डायरी और निबंध, आलोचना आदि भी लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इस जीवन परिचय के साथ ही इन्होंने उषाकालीन एक कविता का संग्रह इन्होंने किया है, जो कहना क्या है, प्राकृत सौंदर्य का चित्रण इन्होंने भरपूर दिखलाया है कि प्रातःकालीन जो उषा का चित्रण कैसे है, किस तरह से एक नायिका नीले जल में स्नान कर रही है, वैसा प्रातः नभ राख से लिपा हुआ भोर का समय, बहुत ही इन्होंने सुंदर उषाकालीन प्रातःकालीन प्राकृत सौंदर्य का चित्रण प्रस्तुत किए हैं हमारे शमशेर बहादुर सिंह ने। तो बच्चे, आज के लिए बस इतना ही मैं जीवन प्रस्तुत किया हूँ। धन्यवाद।